पावर क्या करेंगे भाई, डाल के अपने बाइक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पावर डालेंगे तो उड़ने लग जाएंगी, बराबर है कि नहीं? क्या ज़बरदस्त काम चल रहा है भाई साहब अंकल का, पुलिस वाले अंकल वेरी चालाक भाई। अरे रे रे, गिर गया, शीतकड़ी गिर गई अपनी, एक दूसरी शीतकड़ी, दो पैकेट में आती क्या ये एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली अपनी शीतकड़ी, वैसे इसका ऑफिशियल नाम शीतकड़ी क्या, 615। चलो जी, वन साइड का एक रिमूव हो गया अपना, ये पुराना वाला था और इसका जो बैंड है ये टुकड़ा डायरेक्टली मतलब टूट गया था। हाँ तो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी टाइम है कुछ 12:10। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी, कल हीरो शोरूम की तरफ से हमें कॉल आ गया था कि भाई साहब आपका जो पार्सल है जो आपने ऑर्डर करवाया था, जो कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वो आ गए। मतलब जिन लोगों को नहीं पता होगा तो वो जो एंड वाली जो कड़ी होती है वो दोनों साइड की मेरी कड़ी ब्रेक हो गई थी, शोरूम वाले इसको कड़ी बोलते हैं, और जहाँ तक कि मैं इसको बोलता था वो कैरियर प्लेट है, कैरियर प्लेट इसके ऊपर रहता था, तो कैरियर स्टे है जिसके ऊपर हम लगेज वगैरह माउंट करते। तो कल कॉल आया था हीरो शोरूम की तरफ से कि सर आपकी वो कड़ी आ गई है, आकर बिठवाओ और लेके जाओ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो लोग मेरे से चार्ज करने वाले है या नहीं है, तो लास्ट टाइम भी जब मैं शोरूम में गया था तो उस टाइमिंग के अंदर मुझे ये बताया था कि सर ठीक है ब्रेक हो गई है, आप आओ, एक 7 से 8 दिन के अंदर आपकी ऑर्डर गई है, 7 से 8 दिन के अंदर आ जाएंगी, और वो आने के बाद में आप फिट करवा के लेके जाओ। और थोड़ा सा काम भी है मुझे अपने बाइक के अंदर, जो चार्जिंग का जो सॉकेट है, अभी जो न्यू एक्सपल्स आई 2023 मॉडल, तो उसके अंदर चार्जिंग का जो सॉकेट है वो हैंडल की बार के पास में है। तो मैंने लास्ट टाइम में विकास भाई को पूछा था, जो बंदा रिपेयरिंग करता है वहाँ पर हीरो की ज़्यादातर एक्सपल्स बाइक की, तो उसने कहा था कि हो जाएगा प्रबंध, आप आए और बिटवा कर लेके जाए। तो जी, निकलते हैं सीधा सिटी। ये जो एरिया है ये मेरा अपार्टमेंट का पार्किंग एरिया है, और ये अपने अपनी बाइक खड़ी। ये हो गया भाई, चलो मेरी चाबी कहाँ है यार, ये रही चाबी। चलो तो जी, तो निकलते हैं फटाफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चार्जिंग सॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ वो चार्जिंग सॉकेट इस साइड में आने वाला है, जो न्यू एक्सपल्स है 2023 का मॉडल, उसे यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया है इस साइड के अंदर। अब अपना भी कुछ जुगाड़ हो जाएगा इस साइड में तो मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं एक्स्ट्रा में मुझे ये माउंट का जो नीचे का जो ये वायर मैंने अभी तक लगाया नहीं है, इसी वजह से मतलब मैंने जैसा न्यू मॉडल देखा था तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखा तो मैंने इसको फिट नहीं करवाया अंदर की तरफ। मैं सोचा कि अगर ऐसा भी कुछ जुगाड़ हो जाएगा अपनी बाइक के अंदर इस साइड के अंदर तो ये एक्स्ट्रा में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये माउंट निकाल दूंगा मैं, इसके अलावा इसके जगह पर दूसरा मैं माउंट लगाऊंगा जो बोबो जैसा कॉपी है। बोबो मतलब एक मोबाइल माउंट है, ज़्यादातर वही लेते बंदे, बट उसके जगह पे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब ऑलमोस्ट एक डेढ़ हज़ार रुपये का है, और उसकी जगह पे 350-400 रुपये में भी मिल रहा है मुझे अच्छा वाला। तो मैं सोचा कि वो ले लूँगा और इस साइड के अंदर फिट करके ऐसा रोटेट में मोबाइल रखूँगा अपना वाला, तो वो अपन लेंगे। बट उसके अंदर चार्जिंग नहीं है, तो ये चार्जिंग सॉकेट अगर यहाँ पे जुगाड़ हो जाएगा तो काम हो जाएगा अपना वाला। वैसे अभी माइक मैंने जो लगाया है वो न्यू वाला माइक है, और मुझे बताना ज़रूर कि आवाज़ वगैरह कैसे आ रही है पिछले वाले प्रीवियस व्लॉग से। अगर आप मेरे पुराने वाले व्लॉग देखे होंगे या मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि पहले आवाज़ कैसी आया करती थी और अभी आवाज़ कैसी आ रही है इन मोटो व्लॉग। जरा मेरे पास बैठे हैं हम भी यहाँ। पावर है नॉर्मल नहीं है क्या? पावर नको, पावर क्या करेंगे भाई, डाल के अपने बाइक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पावर डालेंगे तो उड़ने लग जाएंगी, बराबर है कि नहीं? वैसे मौसम के बारे में बात की जाए तो थोड़ी सी आकाशवाणी कर देनी चाहिए, फिलहाल में पिछले 2-3 दिनों से एकदम क्लीन एंड ड्राई हो चुका है, एकदम खुला खुला, बारिश का कोई सीन नहीं है। सामने की तरफ तो थोड़े से बादल लग रहे हैं मुझे, भीगे कभी भी आ सकती है बारिश, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, पर फिर भी मैंने रेन लाइनर ले लिया है साथ में कि भाई साहब कभी भी बारिश शुरू हो जाए तो हम अपने सेटिंग में लगे रहे। हवाएं बड़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही है, विंड बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत है मतलब कोई तो भी पंखा 5 पे लगा के गहला है, 5 पे पंखा लगने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसा बाइक डाइक इस साइड में आ रही है, थोड़ा पंखा स्लो करने बोलना पड़ेगा।
ठंडी ठंडी हवाएं लगना शुरू हो गई है, इसका मतलब है आगे बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। मौसम को पता चल गया है कि अभी हम बाहर निकले हैं, बिना भिगाए तो छोड़ देंगे ने हमका। धड़ पकड़ पुलिसांची धड़ पकड़ है, पुढ़ कहीं तरी विषय गंभीर है। धर पकड़ विदाउट हेलमेट धर पकड़। दर ये पॉसिबल हो ही नहीं सकते, अपन बिना हेलमेट के बाइक निकालेंगे बाहर। वो पुलिसों के डर से नहीं, चेहरा खराब ना हो जाए भाई साहब, पर्सनालिटी के अंदर गिरावट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी बाल जा रहे अपने बहुत ज़्यादा, टकला होते जा रहा डायरेक्टली, मतलब इसके पहले इतने घने सारे बाल थे अपने और बड़े बड़े लंबे लंबे जुल्फे बनाए थे अपने कुछ वक्त पहले, और अभी वक्त ऐसा आ गया कि भाई साहब क्या बताए, मतलब यार बताने के लिए भी शर्म आ रही मेरे को। मेरे बालों में जोर नहीं रहा यार, कुछ तो भी यार कुछ तो रिकमेंड करो यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा अपने को। बायोटिन वगैरह सब सही तरीके से लिया जा रहा, डाइट वगैरह एकदम परफेक्ट चल रही है, बट ये बाल झड़ क्यों रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा मुझे। क्या बताए यार, मतलब इतने घने और मोटे मोटे ऐसे थिकनेस वाले बाल थे मेरे, और भाई साहब नज़र लग गई यार उसे तो। दादा घमासान बूंदा बांदी लगना शुरू हो चुकी है, इसके पहले हम ब्रिज के नीचे पहुँच जाएंगे, सर्विस रोड स्टार्ट होने वाला है। बूंदा बांदी जोरों में है, हम भी जोरों में है। सच में यार मौसम यार मतलब सही में साथ नहीं देता। दो तीन दिन से मतलब पूरा ड्राई पड़े था, नासिक के अंदर भी बारिश नहीं हो रही थी, आज ही मतलब बारिश को होना था, और मैं सिर्फ मौसम को देखकर बाहर निकला था। मतलब मौसम मस्त खुला खुला है, आराम से जाएंगे, मतलब हाफ टी शर्ट वगैरह पहना था, जीन्स पैंट भी नहीं थी, चप्पल भी निकला था मैं यार। सिटी आने के टाइम पे लगे बारिश भी चालू हो गई यार, क्या दुश्मनी है। चला तर मित्रांनो, आता आपण पोहोचलो आहे द्वारकेवर, आणि द्वारकेवर नेहमीप्रमाणे खूप जास्त गर्दी असते। वरती भला मोठा मोठा ब्रिज बनवलेला आहे चार पदरीचा, तरी पण ब्रिजवर खूप जास्त गर्दी राहते। हे बघितलं का, भला मोठा ब्रिज आहे वरती तरी पण खाली खूप जास्त गर्दी असते। तो ये जो पहुंच गए हम अपने हिरो दे शोरूम, जितेंद्र हिरो दा शोरूम। गर्दी कम छे यहाँ पे, कस भाई हाँ कॉल आया था मेरे को, मैं क्या हो रहा था, सुनो ना अपने को, मैं तुमको लास्ट टाइम मैंने बताया था वो चार्जिंग का सॉकेट का जो न्यू मॉडल में आया है उसका ऊपर निकालने का। अरे यार आया नहीं है, तेरी तो तेरी एक ही काम होगा और एक काम तो, ये फटाफट हो जाएगा या टाइम लगेगा अभी इसको। हाँ क्या हो गए, लंच टाइम हो गया है, एक से दो, तो दो के बाद में आऊँ तो कुछ पर्चे वर्चे बनाना पड़ेंगे इसकी, आने के बाद बन लेंगे, ज़्यादा नहीं है, फिर मुझे लिए फटक से निकाल देना। चले तो भाई एक से दो लंच टाइम है इन लोग का, तो यहाँ पर रुक के कुछ फ़ायदा है नहीं, अपन चलेंगे अपने मित्रा लोगों के पास, एक घंटा वहाँ पर टाइम पास हो जाएगा अपना। एक बैड न्यूज़ ये है कि जो मैं चार्जिंग सॉकेट की बात कर रहा था उसका पार्ट आया नहीं है यार, अरे काम मेरे को भी रिटर्न आना पड़ेगा, एक बार फिर राउंड लगाना पड़ेगा। क्या ज़बरदस्त काम चल रहा है भाई साहब अंकल का, पुलिस वाले अंकल वेरी चालाक, वेरी चालाक भाई, वेरी चालाक। सीधा सिग्नल पे रुके हुए लोगों को डायरेक्टली पकड़ कर, मतलब सिग्नल छूटने के बाद मैं साढ़े स्पीड में रहते तो अंकल पकड़ नहीं सकते, तो अंकल ने दिमाग लगाया कि डायरेक्टली जो लोग रुके रहेंगे उन लोग को डायरेक्ट ट्रैफिक में जाकर गेम मजाए उनका, ऐसे होना चाहिए। जो हेलमेट पहन कर नहीं आवे है उनको अंकल बतावे है। तो जी ये हम पहुंच गए CCM, लई मोटी स्लिप, माइक वाला कैमरा है, हो माइक वाला कैमरा है, रॉन्ग साइड है, इतने लगाई अपन अपनी बाइक। जम्मीर शेठ अपनी कॉफी, जो भी बंदे को ये पहचानते नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उसका नाम क्या है, निक नेम क्या है भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने पब्लिक ही बोल देंगे देखो क्या बोलने का रहेगा। जम्मीर शेठ ने हमारे वास्ते, मैं जम्मीर शेठ बोल रहा हूँ, हमारे वास्ते कॉफ़ी मंगाई,
वैसे फीलिंग देखो क्या आ रही आपकी, ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे ऑफ रोड करने के लिए आ गए। बाकी सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, रिवर के जगह पे नाला है, बहुत गर्म गर्म ये 40-45 मिनट्स का हमने यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लिया। 2 बजे के टाइम में बुलाया था तो ऑलमोस्ट अभी 1:40 हो रहे, मतलब 10-15 मिनट है अपने बस में, 20 मिनट है और 40-45 मिनट का अपना ब्रेक यहाँ पे समाप्त होता है। सिटी सेंटर से निकलते हैं, यहाँ से सीधा चलते हैं फिर से शोरूम। हेलो सर। हेलो गिरीश, अरे 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 गिर गया गिर गया गिर गया, शीत कड़ी गिर गई अपनी, एक दूसरी शीत कड़ी, 2 पैकेट में आती क्या ये, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली अपनी शीत कड़ी। वैसे इसका ऑफिशियल नाम शीत कड़ी क्या, 615 615। चार्जिंग सॉकेट की जो बात कर रहा था ना मैं, ये वो चार्जिंग सॉकेट जो 23 मॉडल के अंदर इस साइड में अंदर से 22 वाले के अंदर, और जो 2023 वाला जो मॉडल है इसका एक्सटेंशन बढ़ाकर यहाँ पे निकाला है। अपने को यहाँ पर एक वायर लगा के अंदर से घुमाकर इधर निकालने का है, और ये शीतकड़ी चेंज होंगे अभी कैरियर प्लेट। चलो जी, वन साइड का एक रिमूव हो गया अपना, ये पुराना वाला था और उसका जो बैंड है ये टुकड़ा है डायरेक्टली, मतलब टूट गया था ना डायरेक्टली वो पूरा, बिकॉज भाई ये क्या कर रहे बीट कर रहे थे कि बीट कास्टिंग। अभी नया वाला लगाने काम चल रहे हैं, पर भी एक एक्सपल्स खड़ी है। अपने को ये वाला एक टॉप बॉक्स देने का है जो कि सेम एज इट इज साइज अपने पास में कैरियर प्लेट है, और साथ में बंदे ने जो लगाया ना ये हैंडल बार सेम एज इट इज हैंडल बार ऐसा लगा कर, फिर उसके बाद में नकल गार्ड लगाने हैं ये वाले। अब ये सेम नकल गार्ड नॉर्मल स्टॉक हैंडल के ऊपर नहीं लग सकते, तो मुझे इसके साथ में ये अलग से ये भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक हैंडल बार राइजर भी लगते, उसकी तो ज़रूरत नहीं है, पर ये लेकर उसके बाद में फिर बार राइजर लगाना पड़ेंगे, हैंडल लेना पड़ेगा अलग से। ऑलमोस्ट अपना काम ख़त्म हो गया है, दोनों फिट करने का काम चालू है जी, अपना वर्क इज़ डन। नए शीत कड़ी लग गई है, पुराने वाले बंदे ने लेके गया। चलो चलो सर, काशी सर थैंक यू। 70 रुपये डन सर। थैंक यू। चलो तो जी, ओनली 70 रुपीज़ लगे हमको, ज़्यादा नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 3, और सबसे पहले तो थैंक्स टू तुषार काशित सर, सर्विस मैनेजर ऑफ जितेंद्र हीरो शोरूम, जिन्होंने मेरा ये क्लेम अप्रोवल किया कि भाई साहब हमारी जो शीत कड़ी टूटी थी उसको वापस रिप्लेस कर दिया। और थैंक्स टू जितेंद्र शोरूम और हीरो शोरूम, सबको थैंक्स बोलना पड़ेगा भाई साहब की, अब क्योंकि अपना 615 और 615 1230 रुपये का मुनाफा हुआ, बस मुझे सर्विस चार्ज पे करना पड़े 70 रुपीज़, जो कि ठीक है भाई साहब, मतलब पूरा शीत कड़ी 1200 रुपये का पे करने के अलावा मतलब मेरे को उसे उतना ही पे करना पड़ा। मतलब ग्रुप के अंदर तो जो वार्तालाप हुआ था, वार्तालाप के हिसाब से बंदे ने बताया था कि 1800 रुपये का वो आएगा कैरियर, और ये तो यहाँ पे तो 1200 रुपये का ही मिला, बट कोई नहीं, अपने को 1200 भी तो पे नहीं करना पड़े ना भाई साहब, अपने को तो सिर्फ 70 रुपये पे करना पड़े। तो जी ऑलमोस्ट वर्क डन है, सिर्फ अभी बचा है अपना ये चार्जिंग सॉकेट का, उसका भी कुछ तो भी जुगाड़ लगा लेंगे, अगर वो टाइम के ऊपर वो पार्ट आता है तो ठीक है, पार्ट बोले तो वो पार्ट भी नहीं होगा, वो एक वायर होंगी एक्सटेंशन वायर मेल फीमेल, वो हम जुगाड़ करके लगा सकते हैं। अभी मेरे पास में टाइम नहीं, तो मैं गया था एम जी रोड पर तो लगाने के लिए, अभी तगड़ी भूख लगी मुझे तो इसलिए मैं घर निकल रहा हूँ फटाफट, 3 बज गए भाई साहब, पेट में खाना ना होना तो दिमाग नहीं चलता यहाँ पे, तो कर लेते फटाक से ब्लॉग की समाप्ति भी यहीं पर ही। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके आना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय खुदा हाफिस, मिलते हैं आपको वापस एक अच्छी से राइड के अंदर जल्दी, तब तक कि अपना ख्याल रखना और मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। तो जी ओवर एंड आउट, मिलते हैं आपको।
अगले व्लॉग में।